बैक टू माय चैनल राहुल और मम्पी। तो हम लोग अभी आ गए हैं होटल, हम लोग इंटरव्यू कर गए, पूरा बीच के आगे ही है, मतलब ऊपर से ना बीच का हमको लगता है व्यू आएगा। तो चलो अभी रूम में तो नहीं गए क्योंकि अभी रूम साफ हो रहा है, हम लोग नीचे ही हम लोग सब मिल के तो रूम जाके दिखाता है कैसा हमको। वैसे होटल लिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। क्या हुआ आपको? ये हम राहुल डॉट मम्पी में ब्लॉग स्टार्ट किए मेरे फ़ोन में, आपका फ़ोन में मम्पी डॉट रॉल वाला ब्लॉगिंग। हम लोग कंटिन्यू ब्लॉग दे रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि तीनों आईडी पे ब्लॉग छूटे। तो अच्छा एक बात बताओ, नींद आया मतलब सोई नहीं? पूरा रास्ते ना लंबा रास्ता 5 घंटा का क्या ब्लॉग करें, मतलब गाड़ी में बैठ के वगैरह वगैरह करके बोर थोड़ी करना हम लोगों को। और क्या होता है ना ब्लॉगिंग में, क्या होता है देखो, हम लोग का 3 आईडी है, ठीक है? हम लोग कोशिश करते हैं 3 आईडी में सारा दिन हम लोग क्या करें, थोड़ा लेके करें। ऐसे नॉर्मल जब घर पे बैठे रहते ना, तब 3 आईडी में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या बनाए क्या बनाए, घर में बैठे रहना होता है। लेकिन जब बाहर आते घूमने के, तब तो बहुत कुछ, मतलब तब 3 आईडी में ब्लॉगिंग बनाने में मज़ा आता है, कॉन्टेंट मिलता है कि हाँ चलो ये कर रहे वो कर रहे। ये वीडियो देने से आप लोग को भी अच्छा लग गया, ऐसे आप लोग बिना घर का ब्लॉग हो कहीं का भी ब्लॉग हो, आप लोग हर जगह का या घर का भी ब्लॉग देखते हो, लेकिन हमको लगता है हम भी मस्ती करते हैं, आप लोग भी देख के बिना ब्लॉग इंजॉय करते हो, हमको भी अच्छा लगता है ना। गाड़ी में बैठ के वो बोरिंग वाला सिस्टम नहीं करने को मन करता है। तो कुछ व्यू दिखाते हैं हम आप लोग को, मतलब अभी तो बैठे हुए हैं हम घूमने का, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा है ये होटल, बहुत साफ़ सुथरा है, ऊपर तो स्विमिंग पूल भी है। और हम जब रूम एंट्री करेंगे तब आप लोगों को दिखा देंगे, छत पे भी जाएंगे इसका लुक दिखा देंगे। और इसके बगल में ना बच्चा लोग का पार्क है जो कि उनको सबसे अच्छा लगा, मायरा मामा इंजॉय करेंगी होटल में। कितना बड़ा, कितना सुंदर है ऊपर से देखो यार, गायब हो गया। हम लोग को लग रहा है हम लोग अभी कब जाए, देखो इधर से पूरा दिख रहा है, कितना मस्त है, हमको जाना चाहिए था। तो तुम आ गए हैं, अभी जाएंगे देखो, फाइनली कितना देर बाद हम लोग रूम जा रहे हैं, कितना देर बाद, आधा घंटे हम लोग बैठे हुए, उसमें आवाज नहीं आता। चांदनी बोले भाभी कितना फेंकती है बड़ा बड़ा, कि कुछ करती है नहीं। तो चलो अभी फाइनली, तब से हम लोग वेट कर रहे थे, देखो ये लोग दांत खींचा खींची कर रहे थे। ये हमारा बहुत स्पेशल रूम, हमको बहुत अच्छा लगा सच में। मैं थोड़ा सा होम टूर सोचा दे दूं, मैं कर्टन वगैरह बहुत ही प्यारा है, देख सकते हो। ये सबसे अच्छा हमको लगा बेड के बगल में, ये इसको मिनी ब्रेकफास्ट काउंटर बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें टी बनाने के लिए सब कुछ दिया है, नीचे फ्रिज है और यहाँ पे सोफा भी है। ये यहाँ पे बीच वाला व्यू दिखेगा क्या? हाँ तुम रूम नहीं देखी थी ना? वाह सुनो सुनो, उधर दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? तो इसलिए तो हम लोग रील्स ही बनाएंगे। अच्छा अरे भाई तुम हमेशा आते देखो नहीं, जब आता है इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तुम्हारा भाई हर दिन मतलब ए छोड़ो उसको, और शीशा हटा कर रखो तो फोड़ देगी ये लोग। और ये हमने और इस रूम का और एक खासियत बताते हैं, ये रूम में 4 लोग नहीं, ये रूम में 2 लोग, ये रूम में 2 लोग, ये तो हमने 4 बेड वाला लिया है। वाह यार बेड भी बहुत सॉफ्ट है, और इधर का व्यू देख लो बालकनी से, इधर तो बालकनी में जा सकती हो। बहुत बढ़िया रूम है जी, यहाँ पे पूरा सब व्यू दिख रहा है। तो चलो हमको तो हम तो मतलब समुद्र से कितना ज्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हैं कि जाके हम चेंज करके आ रहे हैं। मम्मा मम्मा ये जगह अंदर रखो, जाके हम जल्दी से चेंज करते हैं और समुद्र में जाते हैं, क्योंकि हमसे और नहीं रहा जा रहा है पानी देख के। चलो चलो सब निकल पड़े हैं बीच, इन लोगों को क्या नहाने का शौक चढ़ा है, मैं तो नहीं नहाने वाला यार, नहाएंगे आप लोग बताओ। ये ना स्विमिंग पूल में नहाते हैं ना बीच का पानी में नहाते हैं, बाली में कैसे नहा लिए, मैं तो चपूत के सनस्क्रीन लगा लिया हूं। हम भी लगाए बस थोड़ा सा, इनके तरह नहीं भर के लगाया हूं, और मारा मम्मा लोग भी दिल्ली में जा रहे हैं, सर दर्द करता है, इसलिए चलो ज्यादा लेट मत करो। हां उन लोगों को लेके चले आएंगे, ठीक है? हम लोग मम्मा भी लोगों को बीच में छोड़ के चले आएंगे, हम तो नहाएंगे नहीं, हम लोग अभी मौज काटेंगे दोनों मिल के अलग से। इन
तो फाइनली हम लोग आ गए बीच और मायरा को देखो, ये देखो दोनों को जो मजा। मायरा इधर देखिए, ये करो बोलो, ये हम लोग अभी जाएंगे समुंदर में। थैंक यू भाई, तो अभी ये लोग फुल वाइब ले रहे हैं, एकदम मस्त इंजॉय कर रहे हैं। मायरा इधर आओ, मायरा फुल, बट बहुत गंदा पानी है मम्पी। वाह, और यहाँ पे कैसा लगा? एंजॉय कर रहे मायरा, मायरा अच्छा लग रहा है आपको? ये चलो तब तक ये लोग एंजॉय कर ले, मैं थोड़ा तब तक जाता हूँ, सोमनाथ को भी आना है। मम्पी अब तुम लोग एंजॉय करो, जाएं हम। मेरा साला खाली चांदनी के पीछे पड़ा हुआ है, एकदम दिए जा रहा है उसको, कहाँ, अरे कहाँ पहुंचा दिया उसको यार। क्या है, हिल रहा है लेकिन, ये पानी दे दो बेचारा मर जाएगा। जो तुम नहीं नहाओगे? कैसे नहाए, पकड़े यार, कैमरा पकड़ रहे, कर रहे, कल नहा लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे ही रुपया बनाना। ये भी ये ले लो, अब मेरा इंटरव्यू है, उस टाइम मेरा आंखें खुला हुआ। बस करो अब, कितना ना होगी। ए छोड़ दे, मत रो मत रो मत रो, घर में जाके खा लेना, तुम लोग तो सब खा लेती हो, तुम खा तो लेती हो सब कोई। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, हम लोग नहीं, हम और मेरा बहन लेट के अपने स्कूल फ्रेंड से बातें कर रही है, और इधर आ रहा है, इधर स्लाइड आएगा। और अभी हम लोग जाएंगे वीडियो शूट करने, क्योंकि आके ही बाबू को बहुत रिक्वेस्ट करके हम बोले बाबू प्लीज नहाने दीजिए, उसके बाद हम लोग वीडियो शूट करेंगे। बाबू बोले ठीक है नहा लो, तो हम लोग गए, पूरा मस्ती किए, मन भर गया, फिर आ गए। अभी लाइट जा रहा है, जल्दी से मेकअप करके हमको। आर्यन दादा ऊपर चले गए, तू ही चले जा। ওদি তুই রেডি হবি না? ও রেডি। হ্যাঁ ওরকম আবার তুই একটা কথা নিয়েছিস, দুর্গাপূজায় জামা দিচ্ছিস স্কুল থেকে, আমি দিদি এই
तो चलो मेरा रेडी होने में। ये बाबा मस्कारा लाने भूल गए। हां पीटावे कहते दाओ आशे यार की मीठा मस्कारा 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 भूले गए छी मोर ना रे मेरा आईब्रो। अब मेरे पास ना आईब्रो पेंसिल भी खत्म हो गई तो हम सोचे मस्कारा से करेंगे। अरे दूसरे दिन मशीन के अंदर ए छेले ले क्या करे तो चलो ऐसे मेरे साथ होता ही है। कोई न्यू नहीं है कि हम कुछ ना कुछ तो भूल के आएंगे। तो अभी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और भी आएगा वीडियो कॉमेडी वर्ल्ड में भी आज ही वीडियो आएगा। तो चलो आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही। बाय बाय फिर मिलेंगे कल एक अच्छा ब्लॉग के साथ। तब तक बाय।